आप कहीं जा रही हैं क्या? रुको, किसका बैग लेके जा रहे हो? तुम गाड़ी में सामान रखो, मैं जा रहा हूं अपने बेटों के पास यूएसए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं अपनी बेटी दानिया के पास। अब तो बख्श दो दानिया की जान, चली गई है ये घर छोड़कर मेरी बच्ची बेचारी, जालमों के हत्थे जो चढ़ गई थी। तुम्हारी बेटी की तरबियत किसी ने ठीक नहीं की, उसकी बेवकूफियों का इल्जाम हम सब पे मत लगाओ। उसकी बेवकूफी, बदकिस्मती थी शाहना भाभी, उसकी किस्मत खराब थी कि इस घराने में शादी करके आ गई। अफसोस तो इस बात का है कि सब कुछ मेरे सामने होता रहा, मैं कुछ भी नहीं कर सका, उसी को समझाता रहा, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जगह केम को यहां नहीं देख सकता। बस तमीज से सलाउद्दीन, कैम मेरे बेटे की बीवी है और इस घर की बहू। हाँ तो फिर आप अपनी बहू का ख्याल रखें, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुके रुके, शाना बच्चे रुके, सलाउद्दीन जा रहा है। जाने दो, कुछ दिन अपने बेटों के साथ रहेगा ना, उसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं अपने लिए टिकट बुक करती हूँ, मैंने भी अमेरिका जाना। खबरदार, उसे होश में आने दो, उसके बाद तुम चली जाना उसके पीछे। आपको संभालो, दवाई खा के ना सो जाओ जाके, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में आके बात करती हूं तुमसे। कहां मरा हुआ था तू? मरा हुआ भैया जी, मैं तो सो गया था आपका इंतजार करते करते। वैसे आपको आज बड़ी देर हो गई। बीवी है तू मेरी, देर कर दी आने में, अपने काम से काम रखा कर। भैया जी, शादी तो आप नहीं करते और बातें हमें सुना रहे। अभी आप खाना खाएंगे क्या? नहीं, फिल्म देख ले जो देख रहा था। और झूठ कम बोला कर। अच्छा सुन जी, अम्मी ने दवाई खा ली थी? वो तो कब की दवाई खा के सो भी गई। टाइम पे? जी जी। गुड नाइट साहब जी। अरे वाह, थैंक यू बेटा। थैंक यू किस बात का? जो नई वाली मासी आई है ये तो किसी काम की नहीं है। छोटू, खुदा के लिए तुम इसे सुकून से काम करने दो। तुमने अगर इसको भगा दिया ना, कोई दूसरी मासी मिलने वाली नहीं है। मैं ही भगाता हूं हमेशा। ये बताओ, हसन किस वक्त आया था रात में? वो तो कल रात को इतनी देर में आए थे, मैं तो आज रात तक जागा रहा था उनकी वजह से, फिर जाकर सोया हूँ। आप समझाती क्यों नहीं है उन्हें कि इतनी रात को आना अच्छी बात थोड़ी है? वो तो शादी भी नहीं करते कि चलो बीवी हो, आप भी सुकून से सोएं और मैं भी आराम करूं। बस बेटा, दुआ करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे। हाँ तो आप कर देती ना उनकी शादी जब वो अपनी पसंद की लड़की लाए थे, तब आपने जिद पकड़ ली और अब वो अपनी जिद पे उतर आए। अरे उनके तो बच्चे भी हो गए होंगे और ये अभी तक ऐसे ही बैठे हैं। छोटू, मैंने तुम्हें 100 दफा बताया कि ये बात मत दोहराना, अगर हसन ने सुन ली ना, कयामत खड़ी कर देगा वो। छोटू, अब क्या कर दिया मैंने?